फिरोजाबाद फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल के गायनिक विभाग के लेबर रूम में कल दिनांक 9 जून 2021 को एक बिना माँ बाप की लड़की और पति द्वारा ठुकराई गरीब गर्भवती महिला श्रीमती मनी निवासी महावीर नगर गली नचार फिरोजाबाद इन्फेक्शन व अन्य कोई बीमारी के कारण भर्ती थी। पीड़िता की मुंह बोली माँ ने बताया कि गायनिक विभाग के डॉक्टर कनुप्रिया द्वारा व यहाँ के स्टाफ नर्स द्वारा इस महिला के बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया है। उचित इलाज न देने की शिकायत इसकी मुंह बोली माँ श्रीमती सुनीता कश्यप द्वारा सीएमएस सर श्रीमान आलोक कुमार जी व सीएमएस महिला अस्पताल श्रीमती साधना राठौर जी से करने व पैसे न देने की वजह से ये डॉक्टर कनुप्रिया व यहाँ की स्टाफ नर्स आंदोलना हो गई। उसको इस वजह इस गर्भवती महिला को यहाँ इलाज नहीं दिया है और कहा गया है कि ऑक्सीजन गैस है नहीं है और इन्फेक्शन का यहाँ कोई इलाज नहीं है, या तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाओ या यहाँ से आगरा ले जाओ, जबरन छुट्टी कर दी है। समाज सेवी अमित गुप्ता ने बताया मुझको इस प्रकरण का संज्ञान जब मालूम हुआ जब गर्भवती महिला के लिए बी पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता हुई। जिला अस्पताल ब्लड बैंक फिरोज में बी पॉजिटिव रक्त न उपलब्ध होने पर मेरे द्वारा रक्त प्राइवेट ब्लड बैंक से उपलब्ध करवाया गया और न ही इस महिला को रक्त चढ़वाया गया है। मेरे द्वारा सीएमएस सर श्री आलोक सर व सीएमएस महिला श्रीमती साधना राठौर जी को अब कहाँ रहती हैं आप? मैं महावीर नगर गली नंबर 4। अच्छा, ये कौन है आपकी बेटी? क्या नाम है? मिनी। अच्छा, क्या परेशानी क्या है? परेशानी ये थी गर्भवती है और इसके मतलब इलाज चाह रही थी, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान, मेरे आदमी को आँखों से दिखता नहीं है। तो आप इलाज के लिए लेके नहीं गए? इलाज के लिए ले गए थे, चौथी बार गई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ पर ले गई थी आप? सरकारी हॉस्पिटल में। क्या बोल रहे हैं? बोला सवेरे रुको अभी इलाज होता है, अभी होता है, जो भी आ रहा खून निकाल के ले जा रहा, एक कहा करती रात को कह दी कि आगरा ले जाओ, मैं आगरा नहीं जाऊँगा, मेरे पास पैसे नहीं है, यानी कि मैं 1 रुपया की कुछ भी चीज़ ले। क्या डॉक्टर्स ने क्या बोल दिया आपसे? आगरा ले जाओ, यहाँ पे इलाज नहीं है? नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है, ये घबरा रही थी। वो ये किसने बोला ऑक्सीजन नहीं है? वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो मैं अभी लड़का से उससे बात करा दूँगी, वो बता देगा, मतलब मोटी सी है। क्या बोल दिया? कि यहाँ पर इलाज नहीं है उसका, और यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है, लड़की की हालत ख़राब है, मतलब मैंने की हालत ख़राब है। जी अमित जी, एक मामला आया है महावीर नगर का, एक महिला थी, आप समाज सेवी हैं, आपने उस महिला की मदद की थी, किस तरह का मामला था और क्या हुआ था? कल मेरे हॉस्पिटल से ही जिला अस्पताल से एक महिला का फोन आया था कि वो भाई साहब कि मेरी एक बच्ची है मुंह बोली, उसको ब्लड की बी पॉजिटिव की आवश्यकता है, जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड नहीं था, तो मैंने प्राइवेट ब्लड बैंक से अपने जो हमारा जमा वहाँ से मैंने उनको दिलवा दिया था और उन पर पैसे भी नहीं थे, तो पैसे की मदद भी मैंने करवा दी थी। जब ब्लड दिलवा दिया उसके बाद वहाँ की जो गायनिक विभाग की जो डॉक्टर और स्टाफ नर्स हैं उनके द्वारा ब्लड नहीं चढ़ाया था, महिला द्वारा साथ ही ये ब्लड नहीं चढ़ा रहे हैं, तो मैंने वहाँ के जिला अस्पताल के सीएमएस सर श्री आलोक सर से भी मैंने बात की, तो आलोक सर ने तुरंत संज्ञान में लेकर उन वहाँ के जो स्टाफ था उनसे भी कहा, फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई और उसको जबरन उसकी छुट्टी करा दी गई। जब मैंने सुबह फिर महिला से बात की, महिला का फ़ोन आया कि भैया वो तो छुट्टी कर दी और हमें इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो बड़ा मुझे धक्का सा लगा कि गरीब महिला बेसहारी और उसकी कोई मदद करने, ऐसी लापरवाही को क्या मानते हैं? डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है, बताया है डॉक्टर भगवान होता है, अवमाननीय व्यवहार है और इस तरीके से इस कृत्य की जितनी निंदा की जा सकती है, और मैं इस पूरे प्रकरण को जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ला दिया है मैंने, और मैं और उस पर मैं कार्रवाई करना चाहूँगा और उस पीड़ित महिला को इलाज मिल सके जिससे कि वो स्वस्थ हो।